बिलासपुर शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन ने हालांकि राहगीरों के ठहरने की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन कोरोना वायरस के बचने की तरह से इनके लिए भी बचाव किया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने कोई प्रबंध नहीं किए हैं। प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जिस भी जिला में जो भी राहगीर है उसे वहीं ठहरने और खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे सोशल डिस्टेंसिंग को जिला प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। नगर के कमेटी हॉल में रखे गए कुछ राहगीरों का कहना है कि वे बिलासपुर जिला में रहते हैं और उनके यहाँ से कुछ ही दूरी पर हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनकी पूरी तरह से जांच की जाए, उनको इससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जिला प्रशासन को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर यूपी, दिल्ली, हिमाचल व अन्य राज्यों के एक ही कमरे में लोग रखे गए हैं। वहीं राहगीरों को अपने स्वास्थ्य की चिंता भी सता रही है। ये ऐसे नहीं रहना चाहिए, मैं एक एक कमरे में फिर रखना चाहिए आदमी को। ये ऐसे भी तो कोरोना वायरस हो सकता है, जो कोरोना वायरस का इतना डर है, तो क्या कर सकते हैं। ऐसे में तो यहाँ पे कितने लोगों को इस हॉल में काफी मेरे हिसाब से 47 आदमी है। खाना पीना भी वैसे ऐसे अब आदमी बीमार हो रहे हैं, टोटल रिकॉर्ड हुए वहाँ पे। और सर शाम को लाया करे ना, कोई हमारा चेकअप हुआ ना कुछ। और ये एक हॉल में सर भेड़ बकरियों जैसे यहाँ इकट्ठे कर रखे हैं सर, किसी को भी अब बीमार है कोई बंदा तो सर कैसे पता लगाएंगे, तो इससे तो सर सब बीमार हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। गुल्फा में मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं सरका घाट से आया था, तो मुझे यहाँ पे रोक दिया। अब तुम्हें एक जगह सुरक्षा देंगे, यहाँ पे बहुत बंदे हैं, सुरक्षा इतनी बहुत ही कम है। बोल रहे थे एक दूरी बनाए रखे, इस कमरे में 50-50 बंदे रखे हुए हैं, कृपया चेता हमें भेज दिया जाए या हमें सुरक्षा दी जाए।